लेकिन जेएसपी क्यों? जब ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी के लिए सर्वलेट टेक्नोलॉजी है तो फिर हम जेएसपी को क्यों पढ़ेंगे? फिर एक मेजर क्वेश्चन आता है सर्वलेट वर्सेस जेएसपी कि कौन बेटर है किस सिचुएशन में। ओके, अब आप डेवलपर हैं, आपको यह चाहिए सर्वलेट के फॉर्मेट में, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एचटीएमएल में जावा का कोड लिखूंगा तो सर पेज तो ये .html है, और अगर ये .html है तो आप देखना कभी ऐसा करके देखना, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है कि सर ये कैसे, क्या कंट्रोलर, क्या डिजाइनिंग कैसे होगा, राइट? तो चलिए एक काम करते हैं सर, सिक्योरिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन क्या है और क्यों है? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज से शुरुआत होगी जावा सर्वर पेजेस जेएसपी टेक्नोलॉजी की। और बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल एंड मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी टू मेक एन एप्लीकेशन एज अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। बट अब इस टेक्नोलॉजी की क्या नीड है? क्योंकि आप देखिए, अगर आप मेरे कोर्सेज को अटेंड कर रहे हैं और अगर आपने मेरे एडवांस जावा के कोर्स को पढ़ा है, कोर जावा के कोर्स को पढ़ा है, या इवन सर्वलेट JDBC आपने पढ़ा है, तो आपको पता है सर आपकी शुरुआत तो एक ही चीज से होगी और वो होगा वाई, है ना, कि वाई जेएसपी, क्यों हम जेएसपी पढ़े जब ऑलरेडी वी हैव अ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन जावा। इवन कि हमारे पास एप्लेट था, हमारे पास सर्वलेट था, ठीक है। तो चलिए, एप्लेट और सर्वलेट का डिफरेंस तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, सर्वलेट के लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन जेएसपी क्यों? जब ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी के लिए सर्वलेट टेक्नोलॉजी है तो फिर हम जेएसपी को क्यों पढ़ेंगे? ओके, और जेएसपी के लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट होगी? ओके, और जेएसपी की अगर हम बात करें तो जेएसपी एमवीसी आर्किटेक्चर में कहां पर फिट होगी? तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आई होप आप एमवीसी आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में आपको बताया है कि बॉस, जब भी कोई डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएशन की हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है व्यू पार्ट, जहां पर रोल प्ले करता है मेनली HTML, CSS और JavaScript। ये मैंने आपको अभी तक बताए थे, राइट, लेकिन अब यहां कुछ चेंजेस हम करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट होता है हमारा कंट्रोलर पार्ट, राइट, ये होता है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब वो पार्ट जहां पर आप डेटा के साथ डील करते हैं, ठीक है। और अगर आप सर्वलेट को जानते हैं, अगर आपने सर्वलेट पढ़ी है, तो हमने बात की थी सर्वलेट एज अ कंट्रोलर, राइट, कि जो भी HTML का पेज है, HTML के पेज के डेटा का कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करेंगे? सर्वलेट के थ्रू। ओके, और फिर सर्वलेट आगे कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? डेटाबेस के साथ, जो कि हमारा मॉडल पार्ट होगा, क्योंकि ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ऑल दोस थिंग यूजिंग ORM आर्किटेक्चर। ओके, तो यहां पर अभी तक हमने ये बात की कि HTML, CSS, JavaScript और सर्वलेट, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट, कि HTML का पेज आपका कम्युनिकेट करेगा सर्वलेट के साथ और सर्वलेट आगे कम्युनिकेट करेगी डेटाबेस के साथ। ओके, तो यहां पर जो सर्वलेट है इसको हम यूज करते हैं एज अ कंट्रोलर। और जब हमने सर्वलेट पढ़ी थी तो आपको याद है मैंने आपको बोला था, एक्चुअली सर्वलेट को हमने पढ़ा था, सर्वलेट मीन्स इट इज, है ना, सुनना ध्यान से, सर्वलेट मीन्स इट HTML इन जावा, कि हमने जावा में HTML का कोड लिखा था, है ना, कि डॉट जावा फाइल बनाई थी, डॉट जावा फाइल में हमने HTML के कोड लिखे। लेकिन आपको अब क्वेश्चन है सर, जब ऑलरेडी हमारे पास सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, देन व्हाई वी शुड गो फॉर जेएसपी? और अब जेएसपी इस एमवीसी आर्किटेक्चर में कहां पे फिट होगा? तो आप देखिए, जेएसपी को हम एज अ कंट्रोलर भी यूज करते हैं, ठीक है, और जेएसपी को हम एज अ व्यू भी यूज करते हैं, मतलब जेएसपी इज फिट फॉर बोथ दिस थिंग, राइट, कि जेएसपी व्यू और कंट्रोलर दोनों के केस में काम करता है, मतलब मैं एक पेज के डिजाइनिंग भी जेएसपी में कर सकता हूं और मैं जेएसपी को केवल एज अ कंट्रोलर भी यूज कर सकता हूं। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है कि सर ये कैसे, क्या कंट्रोलर, क्या डिजाइनिंग कैसे होगा, राइट? तो चलिए एक काम करते हैं, बात यहां से शुरू करते हैं हम, कि जब ऑलरेडी हमारे पास सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, जब ऑलरेडी हम सर्वलेट को यूज करके डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर जेएसपी की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? और फिर एक मेजर क्वेश्चन आता है सर्वलेट वर्सेस जेएसपी, कि कौन बेटर है किस सिचुएशन में। ओके, तो यदि आप सर्वलेट को आपने पढ़ा है और अगर आपने मेरे सर्वलेट के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो याद है मैंने सर्वलेट में आपको हमेशा ये पढ़ा है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट एनी HTML कोड इन सर्वलेट, देन It is possible that we can write an HTML code in servlet, but for that we have to write out.println, right? कि आपको out.println में अपने HTML के कोड को लिखना पड़ता है कुछ इस तरीके से, कि अगर आपने सर्वलेट पढ़ा है तो आप
सारे HTML के कोड को जावा में लिख सकते हैं, बट एवरी HTML कोड यू हैव टू राइट इन दिस टैग। ये सारे कोड आपको इस तरीके से टैग में लिखना पड़ते हैं, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ओके। और जितने भी HTML के टैग को आपको यूज करना है, मतलब देखिए आप, कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन होगी HTML और जावा का, कि जावा का कोड और HTML का कोड दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो एक मैंने आपको बताया था एप्लेट टेक्नोलॉजी, प्रीवियसली अगर आप सर्वलेट पढ़ के आ रहे हैं तो आपने वहां पर याद करो, वाई सर्वलेट जब हमने शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि देयर वाज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एप्लेट, लेकिन एप्लेट के साथ कुछ इश्यूज थे कि वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी थी, उसकी डिपेंडेंसी क्लाइंट मशीन पे थी, तो हमें सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हुई। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में हमने पहली टेक्नोलॉजी पढ़ी सर्वलेट, कि जहां पर हमने सर्वलेट को सीखा, सर्वलेट एप्लीकेशन को सीखा। लेकिन आप सोचिए, इतना सर्वलेट कोड हम पढ़ के आ रहे हैं, हमने सर्वलेट में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये आप खुद समझ सकते हैं। कि यदि मान लो आपके पास एक HTML का कोड है, क्योंकि HTML आप नहीं लिखोगे, है ना, HTML अब क्वेश्चन आता है हम नहीं लिखेंगे। अरे बॉस, इंडस्ट्री में दो अलग अलग पोजीशंस होती हैं, समझना ध्यान से, राइट। एक होता है वेबसाइट डिजाइनर, और ये जो वेबसाइट डिजाइनर है ये वो पर्सन होते हैं जिनकी मास्टरी इन सब्जेक्ट्स पे होती है, HTML, CSS, JavaScript, जो HTML जानते हैं, जो CSS जानते हैं, जिनका डिजाइनिंग लुक एंड फील बहुत अच्छा, मतलब जो डिजाइन बहुत अच्छे से कर सकते हैं एक वेबसाइट को। देखिए, सबका दिमाग हर जगह पे नहीं चल सकता, आप समझिए। यदि आपको लगता है ना कि आपको प्रोग्रामिंग इंटरेस्ट नहीं है, या आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक समझ में नहीं आते हैं, या सर मुझसे प्रोग्रामिंग नहीं होती है, मैं क्या करूं, मैंने बहुत ट्राई किया, राइट, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है, आप वेबसाइट डिजाइनर बन जाइए। यू शुड बी अ वेबसाइट डिजाइनर, कि आप HTML, CSS, JavaScript सीख लीजिए, ओके। तो आपका काम क्या होगा, आपका काम है एक वेबसाइट का स्केलेटन रेडी करना। अब देखिए, कई वेबसाइट के आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल है गूगल पे, राइट, आप उन टेम्पलेट्स को देखिए। तो ये टेम्पलेट्स को डिजाइन कौन करता है, इन टेम्पलेट्स को डिजाइन करता है वेबसाइट डिजाइनर। वेबसाइट डिजाइनर का काम क्या है, कि पूरा HTML, CSS का कोड लिख के आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके दे देना, लेकिन वो पूरी तरह से स्केलेटन होगा, खाली ढांचा है, उसमें कोई डेटा कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टैटिक वेबसाइट है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, गूगल पे देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जो फ्री के HTML टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मान लो मुझे कोई होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनानी है, तो मैं जावा डेवलपर हूं, मेरा दिमाग जावा में चलता है, मैं जावा को जानता हूं, राइट, लेकिन मेरा दिमाग डिजाइनिंग पे नहीं चलता है। आप सोचिए, हर आदमी क्रिएटिव माइंड नहीं होता है, समझिए। आप डेवलपर हैं, अगर आप जावा पढ़ रहे हैं, मतलब यू आर अ डेवलपर, तो आपका दिमाग डिजाइनिंग पे बहुत अच्छा नहीं चलता है। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो माइंडसेट डिजाइनिंग का होता है जिनका, जैसे होते हैं ना, देखो आप पेंटिंग तो आप भी कर लेते हो, मैं भी कर लेता हूं, लेकिन आप और हम फेमस पेंटर नहीं है, क्योंकि जो पेंटर होते हैं ना, उनका माइंड ही बड़ा क्रिएटिव होता है। मतलब आप सोचिए कि एक ब्लैंक स्क्रीन है, अब वो थोड़ी देर में, आप देखना, कोई पेंटर जब डिजाइनिंग शुरू करता है ना, ठीक है, अभी मैं भी नहीं हूं, तो वो कुछ इस तरीके से ऐसा 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 कुछ करेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है, और ऐसा 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 कुछ करके 10 मिनट बाद आपको एक शानदार पेंटिंग सामने दिख जाती है। और आप और हम 24 घंटे भी ऐसे करते रहेंगे तो कुछ नहीं डिजाइन होगा। मतलब इसको हमें पेंटिंग बनाने को बोला जाए तो पता है हम क्या पेंटिंग बनाते हैं, हम एक पेड़ बना देते हैं, पेड़ पे फूल लगा देते हैं, फिर एक नदी बह रही है, ठीक है, और ये पंछी हमने, मतलब कुछ पक्षी है जो हमने इस तरीके से ये कर दिए, वो भी नहीं बन रहे, देखो आप ढंग से, राइट। तो ये हमारी डिजाइनिंग है कि हमने ये कर दिए, राइट, कि ये पंछी उड़ रहे हैं, बस ये हमने बचपन से लेके आज तक यही पेंटिंग पढ़ी, राइट, इधर एक रास्ता बना दिया, याद है आपको बचपन, यही हमारी पेंटिंग होती थी। तो ये आप और हम क्रिएटिव माइंड नहीं है, हमसे नहीं होती डिजाइनिंग, लेकिन जो डिजाइनर होते हैं बॉस, उनका लुक एंड फील देखिए आप, कि बॉस वो कलरफुल पेज आपको इतना शानदार डिजाइन करके देंगे, लेकिन उनका दिमाग डिजाइनिंग पे है, उनका डेवलपमेंट पे लॉजिक नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको व्यू रेडी करके देंगे, और ये जो पूरा का पूरा व्यू है ये आपको बना के देंगे HTML, CSS को यूज करके। क्या आप किसी टेम्पलेट को देखिएगा, उस टेम्पलेट में आपको HTML, CSS, JavaScript का कम से कम 10,000 लाइन का, 5,000 लाइन का कोड दिखेगा, अगर आप उसका सोर्स कोड देखेंगे तो। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब उस वेबसाइट को मुझे डायनेमिक में कन्वर्ट करना है, राइट। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इस HTML, CSS, JavaScript में बने हुए टेम्पलेट में मुश्किल से 10 लाइन का जावा का कोड लिखना है, सुनना ध्यान से, मुझे इसके बीच में 10 लाइन का जावा का कोड लिखना है। अब 10 लाइन के जावा के कोड को लिखने के लिए मुझे इस पूरी वेबसाइट को अगर सर्वलेट में कन्वर्ट करना पड़ गया, क्योंकि आप देखिए, समझना ध्यान से,
कि अगर आपको इस वेबसाइट को सर्वलेट में, क्योंकि सर्वलेट क्या है, सर्वलेट इज समथिंग लाइक दिस राइट, कि सर्वलेट आपका HTML जावा में लिखना है आपको, तो आपके पास जो वेब पेज डिजाइंड है वो तो उसने आपको ऐसा रिडिजाइन करके दिया है, आप देखिएगा उसने आपको HTML पेज इस तरीके से दिया है, HTML हेड, मतलब उसके पास जो पेज है वो इस तरीके से, जो टाइटल ये आपको उसने पेज डिजाइन करके दिया, दिस कंटेंट हियर अबाउट 5000 लाइन ऑफ कोड, ऐसा आपने, आपको डिजाइनर ने एक HTML का पेज दिया है। अब जब ये HTML का पेज आपको दिया गया, अब आपने सर्वलेट पढ़ा है, अब आपको पता है कि अगर सर्वलेट आपने पढ़ा है और इस HTML के पेज में अगर आपको 10 लाइन का भी जावा का कोड लिखना है, देन एवरी कोड यू हैव टू कन्वर्ट इन out.println, आपको ये पूरा कोड इस तरीके से out.println में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरा HTML के कोड को .java फाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो .html फाइल है, ठीक है, ये आपकी .html फाइल है, और याद है सर्वलेट हमने क्या पढ़ा है, HTML इन जावा, तो HTML इन जावा जब लिखी जाती है तो out.println में इस तरीके से लिखी जाती है। तो बॉस ये डेवलपर के लिए बड़ा टिपिकल था कि एक डिजाइनर अगर उसको कोई पेज रेडी करके दे रहा है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपर एंड डिजाइनर, कि डेवलपर ये बोलता है बॉस मुझे डिजाइनिंग नहीं आती है, पेज आप डिजाइन करके दो, जो डिजाइनर ने पेज रेडी करके दिया है वो उसने HTML फॉर्मेट में दिया है, उसने आपको HTML के कोड लिख के दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब आप डेवलपर हैं, आपको ये चाहिए सर्वलेट के फॉर्मेट में, और अगर सर्वलेट के फॉर्मेट में चाहिए तो आपको सब कुछ out.println में लिखना पड़ेगा। अब out.println में लिखने के लिए अगर आप डिजाइनर को बोलोगे कि आप मुझे सर्वलेट फॉर्मेट में HTML का पेज रेडी करके दो, तो बोलेगा सर अगर इतनी सर्वलेट जावा मुझे आती तो मैं डिजाइनर क्यों बनता, मैं जावा डेवलपर बन जाता, मुझे डिजाइनर बनना है इसलिए तो मैंने सर्वलेट JSP नहीं सीखा है, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में नहीं जाना है। तो कॉन्फ्लिक्शन ये हुआ कि बॉस यदि आपके पास कोई रेडी HTML का पेज है और आपको अगर उसमें 10 लाइन का जावा का कोड लिखना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेवलपर टू कन्वर्ट दिस 5000 लाइन ऑफ HTML कोड इन सर्वलेट टू राइट जस्ट अ 10 लाइन ऑफ जावा कोड, कि एक 10 लाइन के जावा के कोड को लिखने के लिए मैं 5000 लाइन के कोड को अगर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो बॉस ये तो बहुत टिपिकल क्लास हो गया। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन डेवलपर एंड डिजाइनर, कि ये डिजाइनर और डेवलपर के बीच में कॉन्फ्लिक्शन आया। क्यों? क्योंकि डिजाइनर जो रेडी करके देगा वो HTML का पेज होगा, आपको ये HTML चाहिए जावा फॉर्मेट में, और जब ये HTML आपको जावा फॉर्मेट में चाहिए तो आपको पूरा HTML का कोड इस तरीके से जावा के स्टाइल में लिखना पड़ेगा, और यही सर्वलेट हमने पढ़ा है HTML इन जावा। तो यहां पर जावा ने बोला बॉस इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करने का मतलब यह है कि रादर देन HTML के कोड को आप जावा में कन्वर्ट करो, आप एक काम करो, आप जावा, आप पूरा HTML का कोड ऐसे ही चलने दो, HTML, ठीक है, HTML के बाद हेड, मतलब जैसा HTML लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही HTML आप चलने दो, ठीक, लेकिन इस HTML के कोड में अगर आपको जावा की रिक्वायरमेंट है तो आप HTML में जावा का कोड लिख दो, है ना, ये HTML, फिर ये जावा, फिर ये HTML, ठीक है, फिर ये जावा, मतलब आपको जहां जहां जावा की रिक्वायरमेंट है आप इस कोड में इस तरीके से लिख दो। तो रादर देन HTML को जावा में लिखूं, मैं बात कर रहा हूं अब जावा इन HTML की, जावा इन HTML की, मैं जावा के कोड को अब HTML में लिखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्शन समझ में आ रहा है कि अगर डेवलपर आपको, डिजाइनर आपको वेब पेज रेडी करके देगा तो वो HTML फॉर्मेट में देगा, अगर आप उसको सर्वलेट में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको पूरा कोड जावा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज वेरी टिपिकल। सो रादर देन डूइंग दिस थिंग कि आप HTML को जावा में कन्वर्ट करो, आप HTML एज इट इज रहने दो, आप बीच बीच में जावा का कोड लिख दो, कि जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन जस्ट राइट जावा कोड इन दिस। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं HTML में जावा का कोड लिखूंगा तो सर पेज तो ये .html है, और अगर ये .html है तो आप देखना, कभी ऐसा करके देखना कि आप HTML में यहां पर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दो, स्ट्रिंग s, ठीक है, यहां पर आप लिख दो s.2uppercase समथिंग, मतलब जावा का कोड लिख दो आप। अगर आप ऐसा लिख भी दोगे और अगर ये HTML का पेज हुआ तो आपको HTML का तो आउटपुट दिखेगा ब्राउजर पे, क्योंकि HTML का कोड तो ब्राउजर इंजन एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन ये जितना जावा का कोड आपने लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोड है इसको चाहिए कंपाइलेशन, ये जो कोड है ये कंपाइलेशन के बाद अपना रिजल्ट देगा, और अगर आपने इसको HTML के साथ इस तरीके से लिख दिया तो फिर तो HTML तो रिजल्ट दे रहा है, इमेज तो आ रही है, कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये जितना जावा का कोड है ये तो कंपाइल ही नहीं हुआ ना बेटा, क्योंकि HTML कंपाइल्ड लैंग्वेज है ही नहीं, ये तो ब्राउजर इंजन एग्जीक्यूटेड लैंग्वेज है।
तो यहां पर यह बोला गया कि बॉस यदि आप इस तरीके से कोड लिख रहे हैं सो सेव दिस पेज रादर देन एचटीएमएल, आप इस पेज को सेव करो .jsp के साथ। मतलब ये वो पेज होगा, ये वो कोड होगा जिसका एक्सटेंशन होगा .jsp एंड दिस इज जावा सर्वर पेजेस टेक्नोलॉजी। तो क्यों JSP पढ़ रहे हैं, पहले वो रीजन समझ में आया आपको? क्योंकि सर्वलेट का जो लिमिटेशन है, सर्वलेट का जो ड्रॉबैक है, ठीक है, वो ड्रॉबैक ये है कि सर्वलेट में अगर आपको HTML का कोड लिखना है देन यू हैव टू राइट HTML कोड इन सर्वलेट इन द फॉर्म ऑफ जावा स्टाइल। आपको जावा के स्टाइल में, जावा के फॉर्मेट में HTML लिखना पड़ेगा। और डिजाइनर जो पेज आपको दे रहा है वो डिजाइनर की स्टाइल में है, वो HTML का सिंपल पेज है जिसमें HTML के फॉर्मेट में कोड लिखा गया है। तो इसमें अगर 10 लाइन का जावा का कोड लिखने के लिए अगर मुझे 5000 लाइन के HTML के कोड को जावा में कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो ये टिपिकल टास्क है। तो यहां जावा ने बोला रादर देन आप जावा में HTML लिखो, आप HTML में जावा लिख दो, लेकिन उसके लिए आपको ये कोड कंपाइल करके रन करना पड़ेगा एंड दैट पेज मस्ट बी सेव विद .jsp। लेकिन अब यहां पर आप सुनना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर JSP मैंने लिख दिया, लेकिन JSP का कोड बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, JSP किस तरीके से रन होता है, राइट? तो यहां पर आप समझना, जब आप किसी HTML, मतलब ये अब आपने HTML लिखा, राइट? तो अब क्वेश्चन ये कि सर यहां पर उसको कैसे समझ में आएगा कि मैंने जावा का कोड लिखा। अभी आपने बोला कि बॉस अगर आप जावा का कोड इस तरीके से लिखोगे स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, तो ये गलती आप JSP में भी मत कर देना कि आप जावा का कोड इस तरीके से लिखो, राइट? मतलब जब आप JSP का कोड लिखोगे तो बाकायदा पेज को आपको बताना पड़ेगा ये मेरा HTML का कोड है और ये मेरा JSP का कोड है, ये मेरा जावा का कोड है, राइट? तो कैसे बताएंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे JSP टैग्स को, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं अभी। JSP टैग कि आप जावा का कोड जब लिखोगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से लिखोगे लेस देन परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है, मतलब इस तरीके से कि आपने ये बता दिया कि बॉस दिस इज व्हाट माय JSP टैग, ये मैंने JSP टैग यूज किया हुआ है, एक स्क्रिप्टलेट टैग है, अभी बताऊंगा आगे, डोंट वरी, ठीक है। ये स्क्रिप्टलेट टैग कहलाता है कि जब इस टैग में आप कोड लिखोगे JSP में देन योर एप्लीकेशन विल अंडरस्टैंड दिस इज अ जावा कोड और इसके बाहर जो लिखा गया है वो HTML का कोड है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैग हम पढ़ने वाले हैं, स्क्रिप्टलेट टैग, डिक्लेरेशन टैग, कमेंट टैग, ठीक है, @ के साथ कुछ टैग हम देखेंगे, ये सब है JSP के टैग जो भी हमें आगे पढ़ना है। यूज बीन्स की बात करेंगे, बीन्स की बात करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप इस JSP क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, रीजन समझ में आया। अब आपको HTML एज इट इज लिखना है और जहां जावा की जरूरत है वहां पर आप जावा का कोड लिख दीजिए। तो ये डेवलपर के लिए भी आसान था और ये डिजाइनर के लिए भी आसान था। डिजाइनर ने क्या किया, HTML का पेज दिया, जब उसने HTML का पेज दिया तो उसने बना के दिया .html एक्सटेंशन के साथ। डेवलपर ने क्या किया, इस पूरे HTML के कोड को एज इट इज सेव कर लिया नए पेज के साथ .jsp के साथ, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, डोंट वरी। और इस पूरे पेज में जहां जावा की रिक्वायरमेंट थी वहां जावा का कोड लिख दिया यूजिंग दिस JSP टैग्स, इन JSP टैग्स को यूज करके। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप HTML को जावा में ले जाएं और सर्वलेट बना लें, या फिर आप जावा को HTML में ले आएं और JSP का पेज बना लें। तो चॉइस, और आप देखिए एक्चुअली JSP इज मच 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 सिंपल एज कंपेयर टू सर्वलेट, है ना, क्योंकि सर्वलेट आपने पढ़ी अगर तो आपको पता है वहां पर तो आपको डू गेट डू पोस्ट ये सब कुछ लिखना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट योर web.xml फाइल फॉर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन अभी भी क्वेश्चन एक अभी भी बनता है दिमाग में कि सर एक्चुअली ये JSP का पेज रन कैसे हो रहा है, मतलब हाउ योर सर्वर कैन एग्जीक्यूट। और अच्छा ये भी एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर भी आपको JSP के पेज को रन नहीं करना है, इट इज जस्ट लाइक अ सर्वलेट कि सर्वलेट की आपने डॉट क्लास फाइल बना के सर्वर पे रखी थी, यहां पर आपको अपने JSP का पेज बनाना है, इस JSP के पेज को सेव करना है .jsp एक्सटेंशन के साथ और इसको उठा के सीधे आपको कहां पे रख देना है, सर्वर पे, ठीक है, कि आपका जो वेब सर्वर है उस वेब सर्वर पे आप अपना JSP का पेज रख दो, क्योंकि इस JSP के पेज को भी रन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेब सर्वर की, और ये वही वेब सर्वर है जो भी हमने यूज किया है सर्वलेट के साथ अपाचे टॉमकैट। तो जब मैंने सर्वलेट को सर्वर पे रखा था और आपको बताया था कि हाउ दिस अपाचे टॉमकैट रन द सर्वलेट, आप देखिए अगर थोड़ा सा आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे ना तो आप चीजों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ पाएंगे।
मतलब आप डायरेक्टली जेएसपी का कोर्स अगर पढ़ रहे हैं ठीक है, समझ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके पहले सर्वलेट पढ़ लिया है, मेरा सर्वलेट का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो जेएसपी आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। आप डायरेक्टली जेएसपी पढ़ना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या होता है जब जेएसपी पढ़ी जाती है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जेएसपी सर्वलेट के बाद लाई गई टेक्नोलॉजी है, कि जब ऑलरेडी सर्वलेट है तो वाई वी शुड गो फॉर जेएसपी। और जब सिक्योरिटी की बात होगी तो सर्वलेट इज मच बेटर देन जेएसपी, ये भी बता दूं मैं आपको कि जब सिक्योर एप्लीकेशन बनाना है तो बट सर्वलेट इज मच बेटर देन जेएसपी, अभी बात करेंगे इसके बारे में आगे, डोंट वरी। लेकिन अगर आप पहले वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लें, HTML, CSS, JavaScript आपने सीख लिया, तो आपने स्टैटिक पेज बनाना सीख लिया, आपने छोटे छोटे वेबसाइट बना ली, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम फेस करी कि सर पेज तो रेडी हो गया लेकिन डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फिर आपने सर्वलेट सीखा। लेकिन जब सर्वलेट आपने पढ़ा तो आपने एक प्रॉब्लम फेस करी कि सर 10 लाइन के जावा के कोड के लिए 2000 लाइन के HTML के कोड को जावा में लाना पड़ रहा है और मुझे सब कुछ out.println में लिखना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम जब आप फेस करोगे ना, तब आपको जेएसपी की अहमियत समझ में आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि यस बॉस, जेएसपी इज मच बेटर देन सर्वलेट, यदि आप डेवलपर और डिजाइनर के कॉन्फ्लिक्शन से बचना चाहते हैं तो। बात समझो, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा किसी भी टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, कि आप सीक्वेंस वाइज अगर चलते हैं, डायरेक्टली जेएसपी पढ़ रहे हैं आप समझ जाएंगे, लेकिन जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, जो इंटरनल एग्जीक्यूशन है, वो आप तब समझ पाएंगे जब आप सीक्वेंस वाइज चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, सजेशन मेरा हमेशा आपके फेवर के लिए रहेगा, ये आप हमेशा मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि सर ये जेएसपी आपने सर्वर पर रख दी, लेकिन एक्चुअली आप सुनना ध्यान से कि जब हम सर्वलेट पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बाकायदा हम हमारी खुद की सर्वलेट बनाते हैं ना, कि हमने एक सर्वलेट बनाई, सर्वलेट बना के सर्वर पे रखा। लेकिन जब आप जेएसपी का पेज लिखते हो तो आपने क्या किया, आपने HTML लिखा, आपने जावा लिखी। मेरे बच्चे, ये जेएसपी भी जब एग्जीक्यूट होता है, अब जावा क्या बोल रहा है, अब आप सर्वलेट मत बनाओ, आप मुझे HTML लिख दो, आप मुझे जावा लिख के मेरे को मुझे दे दो जेएसपी के फॉर्मेट में। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि आप इसके इंटरनल कोड को ना भी समझें तो भी आपका कहीं लॉजिक वाइज नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये नहीं भी जानते कि जेएसपी का पेज पीछे कैसे एग्जीक्यूट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में दिक्कत है। मतलब आपकी एप्लीकेशन चलेगी, लेकिन होता क्या है, जेएसपी किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहा है, जेएसपी का कोड रन कैसे हो रहा है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक लाइन के आंसर को सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जेएसपी भी पीछे बैकग्राउंड में सर्वलेट ही बनाता है। यह है शानदार कॉन्सेप्ट। सुनो आप, कि अभी तक आपने क्या किया, आपने सर्वलेट बना के सर्वर पर रखी, लेकिन सर्वलेट की जब लिमिटेशन या प्रॉब्लम आई तो जावा ने क्या बोला, आप मत बनाओ सर्वलेट, आपको दिक्कत हो रही है ना out.println में लिखने में, आपको 5000 लाइन के कोड को लिखने में दिक्कत हो रही है, कि 10 लाइन के जावा के कोड के लिए आपको ये 5000 लाइन का HTML का कोड जावा में लिखना पड़ रहा है, आप मत लिखो, आप HTML अलग लिखो, ठीक है, आप HTML अलग लिखो, आप जावा अलग लिखो, बस इतना कर देना कि जावा का कोड इस टैग में लिखना, स्क्रिप्टलेट टैग और जितने भी टैग में दे रहा हूं, कि मैंने जिस फॉर्मेट में जावा का कोड बोला आप उस फॉर्मेट में लिखो, आपने दोनों को अलग अलग लिख दिया, अब ये जेएसपी का पेज आप मुझे दे दो। अब ये जो सर्वर है ये क्या करता है, जब इस सर्वर को आपने जेएसपी का पेज दिया तो सर्वर जब इस पेज को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो इसको कन्वर्ट करेगा सर्वलेट में और फिर जाके ये कोड इंटरनल एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन अब ये सर्वलेट आपको नहीं बनानी है, ये वो सर्वलेट है जो जेएसपी के पेज के कंपाइलेशन के बाद जनरेट होगी, जो JVM जनरेट करेगा, कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो ही जेएसपी के पेज को जब रन करेगी, ठीक है, तो आप देखिए आपका लाइन ऑफ कोड लिखने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। अगर आप कोर जावा पढ़ के आ रहे हैं तो आपने कोर जावा में अलग अलग तरीके, जावा सी कमांड लिखी, जावा कमांड लिखी, दोनों कमांड लिखी थी, राइट। लेकिन सर्वलेट पढ़ाई मैंने आपको तो क्या बोला, आप कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल सर्वर पर रख दो, अब आपको वो भी नहीं करना है। जेएसपी के पेज को ना आपको कंपाइल करना है, ना आपको रन करना है, ना आपको जावा सी कमांड लिखनी है, ना आपको जावा कमांड लिखनी है, केवल आपको एक जेएसपी का पेज बनाना है और उसको HTML लिखना है, जावा लिखनी है, ठीक है, और उठा के सर्वर पे रख दो। अब सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सर्वर की है, मतलब आप अपना पूरा का पूरा जेएसपी का सोर्स कोड, वो फाइल जिसका एक्सटेंशन .jsp है, इसको उठा के सर्वर पे रख दो। अब इस जेएसपी के पेज को
कंपाइल करना है, रन करना है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस वेब सर्वर की। लेकिन वेब सर्वर क्या कर रहा है यहां पे? वेब सर्वर जब इस जेएसपी के पेज को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब कंपाइल करके जेएसपी का पेज वेब सर्वर एग्जीक्यूट करता है, तो वेब सर्वर क्या करता है, उस जेएसपी के पेज को इंटरनली कन्वर्ट करता है सर्वलेट में। और वो सर्वलेट जो जेएसपी के कोड के कंपाइलेशन के बाद जनरेट होती है, वो सर्वलेट जो जेएसपी के कोड के एग्जीक्यूशन के बाद जनरेट होती है, इन सर्वलेट को बोला जाता है फैक्ट्री सर्वलेट। These are called factory servlet. ये वो servlet है जो factory servlet कहलाती है। अरे बहुत important question है, what is the difference between servlet and factory servlet? Servlet वो application है जो हमने create की है, जो हमने बनाई है, using, याद है आपको, generic servlet class, using servlet interface, using HTTP servlet class, आपने अपनी class को HTTP servlet class से extend किया, मैंने आपको implementation के साथ भी servlet बनाना सिखाया, वो थी हमारी सर्वलेट। लेकिन ये जिन सर्वलेट की मैं बात कर रहा हूं, ये वो सर्वलेट है जो आप नहीं बनाएंगे, जो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं जेएसपी पेज बनाऊंगा, लेकिन जेएसपी का पेज जब रन होता है तो वो पहले किस में कन्वर्ट होता है? सर्वलेट में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ये सिस्टम पे, डोंट वरी। मैं आपको बाकायदा वो सर्वलेट बताऊंगा जो जेएसपी के बाद जनरेट होती है, सिस्टम पे रन करके देखेंगे हम इस कोड को। तो क्या होता है, जब आप एक जेएसपी का पेज बनाते हैं तो जेएसपी के पेज में आप एचटीएमएल एज इट इज लिखते हैं, आप जावा का कोड लिखते हैं। अब जब वो एचटीएमएल और जावा का कोड आपने अलग अलग लिखा, इंटरनली जेएसपी का पेज क्या करता है, उन सबको एक सर्वलेट में कन्वर्ट करता है। और वो सर्वलेट जो जेएसपी के पेज के बाद जनरेट हुई है, यह कहलाती है फैक्ट्री सर्वलेट। और आप ध्यान रखना, जब भी जावा किसी जनरेशन में फैक्ट्री वर्ड लगा दे तो उसका यह कहना है फिर यह आपके और मेरे काम की नहीं, यह जावा की अपना इंटरनल कोड एग्जीक्यूशन है। जावा का कहना है ये सर्वलेट आपको कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं पीछे बैकग्राउंड में, वो मेरी अपने कोड एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें ये फैक्ट्री सर्वलेट ना भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने तो जेएसपी पेज रख दिया ना सर्वर पे, अब आप इंटरनल कोड एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बीइंग अ डेवलपर आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी एक जेएसपी का कोड आप एग्जीक्यूट करते हैं तो जेएसपी का जो कोड है वो पीछे बैकग्राउंड में क्या जनरेट करता है, फैक्ट्री सर्वलेट। तो सर्वलेट फैक्ट्री सर्वलेट, ऐसे ही कई बार मैंने कोर जावा में भी बोला है कि ये फैक्ट्री क्लासेस कहलाती हैं। आपको याद हो अगर कोर जावा का लेक्चर आपने अटेंड किए हैं तो आपको याद हो, अगर तो मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया फैक्ट्री क्लासेस। फैक्ट्री क्लासेस या फैक्ट्री सर्वलेट वो होते हैं जो जावा जनरेट करता है उसके अपने पर्पस के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एक जेएसपी का पेज सर्वर पे रखोगे, पहले वो सर्वलेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो रन होकर आपको आउटपुट शो करेगा। So that is what the JSP. तो आपको क्या करना है, आपको तो सिंपल जावा लिखनी है, सिंपल HTML लिखना, पेज बना के सर्वर पर रख दो। बहुत सिंपल है यार, बहुत ईजी टेक्नोलॉजी है। बस इसमें पढ़ना ये है कि JSP में टैग कौन कौन से होते हैं, किस टैग से क्या काम होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। बस आप टैग यूज करो, HTML लिखो, जावा का कोड लिखो उन टैग्स के साथ, और सर्वर पे पेज को रख दो, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की। तो क्या होता है, जब आपको याद है मैंने सर्वलेट पढ़ाया था, और जब हमने सर्वलेट का पेज सर्वर पे रखा था तो याद है मैंने आपको बोला था अपाचे टॉमकैट इज कॉल्ड, ये जो वेब सर्वर होता है इसको सर्वलेट कंटेनर भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं क्या बोलूंगा, दिस अपाचे टॉमकैट इज अ जेएसपी कंटेनर, इसको जेएसपी कंटेनर भी कहते हैं। जेएसपी कंटेनर इसलिए कहते हैं क्योंकि जेएसपी के पेज को भी रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस सर्वर की। तो हमें केवल जेएसपी का पेज बनाना है और बना के सर्वर पे रख देना है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से। अब देखिए, यदि मान लो मैं एक पेज को, आपने देखा जेएसपी वो टेक्नोलॉजी जिसमें एचटीएमएल भी लिखा जा सकता है, जिसमें जावा भी लिखा जा सकता है, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मान लो केवल एचटीएमएल है, ओनली एचटीएमएल, एक ऐसा पेज आप बना रहे हो जिसमें केवल एचटीएमएल है, जावा है ही नहीं, तो ये पेज .html भी बन सकता है और ये पेज .jsp भी बन सकता है। दोनों बना सकते हो आप, क्योंकि JSP में भी HTML तो वैसे ही लिखी जाती है ना, HTML तो वही लिखना है आपको, क्योंकि जब मैं JSP भी कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, HTML का जितना कोड है उसको कॉपी करूंगा और JSP फॉर्मेट में पेस्ट कर दूंगा और फिर बीच में अपना जावा का कोड लिख दूंगा। तो जब JSP लिखी जाती है तो उसमें HTML के कोड को तो हम डिस्टर्ब ही नहीं करते ना, उसको कुछ नहीं करना है आपको, यही तो प्रॉब्लम थी सर्वलेट के साथ। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि यदि आप एक ऐसा पेज बना रहे हैं जिसमें केवल HTML लिखना है आपको, इट इज कंप्लीट एंड स्टैटिक वेब पेज, तो ये HTML भी बन सकता है, ये JSP भी बन सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है? वीडियो पॉज करके सोच के बताइए।
और क्यों है, राइट? तो आप बोलोगे सर इस केस में ज्यादा बेटर कौन है? मेरा क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि यदि आप केवल HTML का कोड लिख रहे हैं देन ऑलवेज गो फॉर .html फाइल, आप JSP ना बनाए। तो क्वेश्चन आता है सर क्यों बने बनाए? अगर मैं JSP भी बना दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? अरे बच्चे सुन, आप अपने JSP को इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप उसमें जावा का कोड भी लिख रहे हो और इसीलिए आपका JSP पेज पहले फैक्ट्री सर्वलेट में कन्वर्ट हो रहा है। सर्वलेट बन के कोड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, आउटपुट शो करेगा और ये सारा इसलिए क्योंकि जावा का कोड लिखा गया है ना। तो जब आप फैक्ट्री सर्वलेट बनाते हैं तो आपका सर्वर क्या करता है, आपका JVM क्या करता है, आपके JSP के पूरे कोड को वो खुद ही out.println में कन्वर्ट कर देगा। वो आपको बोल रहा है आप मत लिखो, मैं कर दूंगा ऐसा, राइट? और जावा का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ये सारे काम वो करेगा इस फैक्ट्री सर्वलेट में कि जब आप JSP दोगे तो वो खुद out.println लिख के आपके पूरे 5000 लाइन के कोड को जावा में सर्वलेट में कन्वर्ट कर देगा, जावा का कोड एग्जीक्यूट कर देगा और आपको रिजल्ट बता देगा। लेकिन ये सब कब करो ना, जब जावा हो तो ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करो आप। और अगर आप सिंपल HTML पेज बनाते हैं तो पीछे ऐसी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है कि आपका सिंपल HTML का पेज सर्वलेट बन रहा है। तो जब जावा है ही नहीं तो आप क्यों अननेसेसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहे हो? क्योंकि JSP का पेज टाइम तो लेगा ना, पहले वो सर्वलेट में कन्वर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर रन होगा वो पूरा कोड HTML। तो जब ये सारा कोड तब लिखो जब उसकी रिक्वायरमेंट हो कि जब HTML जावा को मर्ज कर रहे हैं। तो यदि केवल HTML है तो बेस्ट ऑप्शन है आप केवल HTML को .html से सेव करें, नहीं तो आप JSP में भी केवल HTML का कोड लिख सकते हैं, बट इट इज यूजलेस, अननेसेसरी, यू इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन, तो केवल HTML है तो बेटर कौन है? .html। लेकिन सर JSP कब और सर्वलेट कब? तो आप सुनो, आप लेस HTML, लेस HTML, मोर जावा। जब आप कोई ऐसा पेज बना रहे हैं, क्योंकि आप देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अभी जब मैं आपको JSP पढ़ाऊंगा ना, आप सर्वलेट अगर पढ़ के आ रहे हैं और अगर आपने JSP पढ़ ली तो मैं आपको बोल रहा हूं आप सर्वलेट बनाओगे ही नहीं, मेरी श्योरिटी। आप हर पेज को JSP के बारे में सोचोगे कि यार JSP बढ़िया है, JSP बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे को सर्वलेट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगने लगती है जब वो सर्वलेट पढ़ लेता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, इसको रिक्वेस्ट मान लो, इसको ऑर्डर मान लो, इसको कमांड मान लो, जो भी मान लो। एक वेबसाइट जब बनती है ना तो उसमें तीन टाइप के कोड होते हैं, या तो केवल HTML का कोड होगा जो मैंने अभी आपको बताया, केवल HTML, आपको सर्वलेट JSP चाहिए ही नहीं, तो फिर बेस्ट ऑप्शन है यू शुड गो फॉर HTML। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पेज बना रहे हैं जिसमें आपको पता है कि यार बॉस HTML का मुश्किल से 10 लाइन का कोड है लेकिन जावा का 2000 लाइन का कोड है, कि मुझे जावा ज्यादा लिखनी है HTML कम लिखना है, तो बेस्ट ऑप्शन है यू शुड गो फॉर सर्वलेट। जहां HTML कम है तो 10 लाइन का कोड तो out.println में HTML में लिखा जा सकता है ना, कि आप जब सर्वलेट बनाते हैं तो आप HTML का कोड कैसे लिखते हैं out.println में, तो ये तो लिखा जा सकता है 10 20 50 लाइन के कोड के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेस HTML मोर जावा देन सर्वलेट इज अ बेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जब आपको पता है कि आपका HTML का कोड कम है और जावा का कोड ज्यादा है तो बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर सर्वलेट। लेकिन when more HTML less Java, ठीक है, जब HTML ज्यादा है और जावा कम है then best option you should go for JSP technology। तो आप देखिए समझने की बात यह है कि एक वेबसाइट जब बनती है तो उसमें JSP भी होता है, उसमें सर्वलेट भी होते हैं और उसमें केवल HTML के पेजेस भी होते हैं, राइट? तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी वेबसाइट में .html के पेजेस भी होंगे, आपकी वेबसाइट में .class फाइल भी होगी और आपकी वेबसाइट में .jsp फाइल भी होगी। .class फाइल फॉर सर्वलेट, ठीक है, JSP फॉर दिस एंड .html फॉर HTML एंड JSP फॉर एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाना है, राइट? तो ये JSP की .jsp, ये JSP .class फाइल सर्वलेट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि यदि केवल HTML है, जावा है ही नहीं, तो फिर वो तो सर्वलेट भी बन सकता है, वो तो JSP भी बन सकता है। लेकिन उस समय फिर जब जावा है ही नहीं तो फिर .html इज बेस्ट ऑप्शन है ना। स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो आप, पर आपने JSP भी पढ़ रखा है, तो क्यों आप जाओगे कि आप सर्वलेट JSP पे? आपको पता है जब पूरा पेज ही HTML से बन जाएगा, HTML CSS से, तो आप क्यों जाएंगे? लेकिन जहां आपको पता है कि यार HTML में जावा को मिक्स करना है लेकिन HTML ज्यादा है, जावा का कोड कम है, क्या आप एक लॉगिन एप्लीकेशन बना रहे हैं
जिसमें आपने लॉगिन पेज की डिजाइनिंग तो बहुत बढ़िया 3-4 हज़ार लाइन के कोड से की है, जावा स्क्रिप्ट HTML सब मिला के, लेकिन आपको केवल उसमें 10 लाइन का ये कोड चेक करना है कि यूजर आईडी पासवर्ड सही है या गलत है। तो वो 10-20 लाइन के कोड के लिए आप किसको यूज करें, JSP को, सॉरी, क्योंकि HTML ज्यादा है तो JSP बेटर। जहां आपको बताएं कि बॉस जावा का कोड ज्यादा है, मतलब आपको पता है आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आप मान लो डेटाबेस कनेक्टिविटी की कोई एप्लीकेशन है जहां पर आपको जावा ज्यादा लिखनी है, कि आपका 2000 लाइन का जावा का कोड है, हार्डली 10-20 लाइन का HTML का कोड है, तो बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर सर्वलेट। तो जब एक एप्लीकेशन बनती है तब ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि बॉस टेक्नोलॉजी वाइज आप बिल्कुल अपडेट रहे। अगर आप JSP केवल पढ़ रहे हैं आपको सर्वलेट आती ही नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप केवल सर्वलेट पढ़ रहे हैं आपको JSP नहीं आती है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए HTML CSS देन सर्वलेट देन JSP। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी है, आई होप यहां तक अभी आप चीजें समझ पा रहे हैं कि कब आपको JSP यूज करना है, वाई JSP, वाई नॉट सर्वलेट, वाई सर्वलेट, वाई नॉट JSP, वाई नॉट बोथ, ओनली HTML। लेकिन JSP अगर सर्वलेट से कंपेयर करें तो बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने सर्वलेट पढ़ा है तो आपने देखा वहां पर हमने web.xml फाइल बनाई, web.xml को यूज करके हमने डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल बनाई, क्योंकि मैंने आपको बोला था सर्वलेट के लिए एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल होती है। अब यहां सर्वलेट आप बना ही नहीं रहे हो, वो तो खुद फैक्ट्री सर्वलेट जनरेट करेगा, आपको तो JSP पेज बनाना है तो आपको कोई web.xml फाइल नहीं बनानी, कोई डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल नहीं बनेगी, केवल एक JSP का पेज सर्वर पे रख दो, दैट्स इट। और अभी आप देखो 10 मिनट में अपन बना लेंगे अभी सिस्टम पे चल के, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना कि यह भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, अगेन JSP इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, तो कंपलसरी वी रिक्वायर्ड अ सर्वर, कि बिना अपाचे टॉमकेट के तो मैं इसको भी रन नहीं कर सकता। और अपाचे टॉमकेट क्या है ये तो सब हम बहुत पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, है ना, कि वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ JSP। लेकिन अब यहां पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सिक्योरिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन क्या है और क्यों है? तो आप देखिए, अगर बात हो रही है सिक्योरिटी की तो ये है आपका सर्वर, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि नो डाउट सर्वर को एक्सेस करने के पासवर्ड होते हैं, एनीवन कैन नॉट एक्सेस द सर्वर, ठीक है। आपने भी अगर अपाचे टॉमकेट को इंस्टॉल किया है तो याद है मैंने आपको बताया था इसका पासवर्ड, ठीक है, हमने कॉमन पासवर्ड रख दिया था एडमिन, लेकिन पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं सर्वर का, और बिना आईडी पासवर्ड के नो वन कैन एक्सेस द डेटा ऑफ दिस सर्वर, राइट। अब आपने क्या किया, सुनना ध्यान से, ये सर्वर पे आपने सर्वलेट की तो डॉट क्लास फाइल रखी हुई है, ये डॉट क्लास फाइल है सर्वलेट की, ठीक ठीक। लेकिन इस डॉट क्लास फाइल में कहीं भी सोर्स कोड नहीं है। आपको याद है जब मैंने सर्वलेट बताई थी तो मैंने आपसे बोला था सर्वर पे हमें सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल रखनी होती है, इसका सोर्स कोड जो होता है वो हमारे पास होता है, कि इसका सोर्स कोड मेरे पास है। लेकिन JSP का पेज तो आपने विद सोर्स कोड ही रखा ना, क्योंकि JSP का पेज जब आप रखोगे तो ये डॉट JSP पेज होगा, इट इज विद सोर्स कोड, ये सोर्स कोड ही आपने सर्वर पे रखा हुआ है जिसमें HTML और जावा का पूरा सोर्स कोड मिक्स्ड है। ये डॉट क्लास फाइल जो है ये तो बाइट कोड के फॉर्मेट में, राइट, लेकिन JSP तो आपने भी सोर्स कोड सर्वर पे रखा हुआ है ना। अब अगर मान लो इन एनी केस, क्योंकि आप देखिए यूजर आईडी पासवर्ड जो होते हैं वो नो डाउट आपके सर्वर को सिक्योर करते हैं, लेकिन हैकर तो हैकर है ना, जैसे बोलते हैं ना कि घर पे ताला हम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए लगाते हैं, चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता है, अरे ताले के बावजूद भी चोरियां हो जाती है, राइट, क्योंकि उनके लिए ताला है तो हमने हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए ताला लगा दिया कि हाँ ठीक है हम ताला लगा के जा रहे हैं, हम सेटिस्फाइड है। लेकिन बॉस हैकर तो हैकर है, वो सर्वर को हैक किसी भी केस में कर सकता है, ठीक है। क्यों, इन केस अगर आपका सर्वर हैक हो गया, हालांकि सिक्योरिटी है सब कुछ है, बट इन केस अगर आपका सर्वर हैक भी हो गया तो सर्वलेट को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो बाइट कोड है। लेकिन सर्वर पे अगर JSP का पेज रखा हुआ है तो बॉस ये तो विद सोर्स कोड आपका सोर्स कोड इजीली हैक हो सकता है, क्योंकि अगर सर्वर हैक हो गया तो JSP का पेज तो आपको पूरा सोर्स कोड शो कर देगा जिसमें जावा के आपने इंपॉर्टेंट कोड लिखे हुए हैं। लेकिन अगर इनकेस ये सर्वर हैक भी हो गया तो बॉस सर्वलेट को कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल है, इसका सोर्स कोड तो आपने अपने पास रखा हुआ है ना। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने आपको बोला है सर्वलेट इज मच सिक्योर एज कंपेयर टू JSP। तो जहां भी सिक्योरिटी एप्लीकेशन की बात होती है, प्रेफरेंस हमेशा किसको दिया जाता है, सर्वलेट को।
बट नो डाउट जेएसपी के अपने एडवांटेजेस है जो अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो यहां तक अगर अभी हम बात करें तो शुरुआत हमने की थी आई थिंक वाई जेएसपी के साथ, ठीक है, हमने ये बात की थी कि हमें जेएसपी क्यों पढ़ना है, वाई देर इज ए नीड ऑफ जेएसपी, और जेएसपी कहां रोल प्ले करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अब कि जेएसपी को यूज करके आप एक पेज की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और जेएसपी एज अ कंट्रोलर भी यूज हो सकता है। मतलब अगर आप चाहें तो एमवीसी आर्किटेक्चर में केवल जेएसपी को दोनों रोल के लिए यूज कर लें, फॉर डिजाइनिंग ऑल्सो, फॉर डेवलपमेंट कोडिंग कंट्रोलिंग ऑल्सो, डेटा कंट्रोलिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन ये हमने बात की कि जब सर्वलेट ऑलरेडी था देन व्हाई वी शुड गो फॉर जेएसपी। तो हमने बात की बॉस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्शन ऑफ डिजाइनर एंड डेवलपर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप डेवलपर हैं, आप डिजाइनिंग थॉट ला ही नहीं सकते, और जो डिजाइनर होता है वो डेवलपमेंट के थॉट नहीं ला सकता क्योंकि उसके अपने डेवलपर थॉट है, हमारा डिजाइनिंग ये होता है, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्शन था वो इसलिए क्योंकि एज अ डेवलपर आप अगर एचटीएमएल का कोड लिख रहे हैं तो आपको आउटडोर प्रिंट एलन में लिखना पड़ेगा सर्वलेट में। हमने सर्वलेट के टाइम भी डिस्कस किया था कि एवरी लाइन ऑफ एचटीएमएल कोड मस्ट बी राइट इन आउटडोर प्रिंटलन, और डिजाइनर अगर आपको कोई पेज देगा तो वो एचटीएमएल का पेज होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्शन है इसको रिमूव किया, ये देखिए अब जावा इन एचटीएमएल, कि आप जेएसपी का पेज अगर बनाओगे तो आपको एचटीएमएल के कोड को कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है, एंड विद द टैग आप जावा का कोड लिख सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्शन है इस कॉन्फ्लिक्शन को रिमूव किया जेएसपी ने कि बॉस यदि आप एक पेज मुझे डिजाइन करके दे रहे हैं तो मतलब अब आप सर्वलेट का टेंशन मत लो, आपके पूरे जेएसपी पेज को सर्वलेट में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्वर की। और इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो सर्वर है इसको जेएसपी कंटेनर भी कहा जाता है। एंड सेकेंडली मैंने आपको बोला था कि बॉस जेएसपी का पेज की अब सर्वलेट हमें नहीं बनानी, जब ये जेएसपी का पेज रन होगा देन ऑटोमेटिकली इट कन्वर्ट्स इनटू अ सर्वलेट, लेकिन ये सर्वलेट आपकी बनाई हुई नहीं है, इसीलिए जावा इन सर्वलेट को बोलता है दिस आर कॉल्ड फैक्ट्री सर्वलेट्स। तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि व्हाट इज जेएसपी एंड व्हाई वी शुड गो फॉर अ जेएसपी, एंड बिलीव मी बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, बस बने रहिए इस कोर्स में। और यदि समझ में आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जेएसपी के टैग्स के साथ कि किस तरीके से हम जेएसपी के कोड को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कितने तरीके से लिखेंगे, कैसे जेएसपी के पेज को सर्वर पे होस्ट करेंगे, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, एज जेएसपी के कोड को हम एज अ डिजाइनिंग एज अ डेवलपमेंट दोनों पर्पस के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब लेके मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये मेरी गारंटी है कि बहुत फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी की शुरुआत आगे हम करेंगे अब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।